जय माता दी भक्तों, सुबह के बज चुके हैं 9 और आज है हमारा दूसरा दिन कांगड़ा में श्री बाजेश्वरी माता मंदिर में। तो कल हम यहाँ पे आए थे, जैसे कि आपने कल वाला हमारा ब्लॉग देखा था, कल हमने दर्शन कर लिए थे। एक बार आज फिर सुबह दर्शन करके हम निकलेंगे ज्वाला जी टेम्पल के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 35 से 40 किलोमीटर है। तो अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और आप भीड़ भड़ा का देख लीजिए, ठीक ठाक भीड़ हो चुकी है। और इसके बाद बस दर्शन करने के बाद हम चाय पानी नाश्ता करने के बाद हम निकलेंगे यहाँ से ज्वाला जी सीधा बस में। तो ये अभी मैं हम मंदिर में जा रहे हैं, एक बार फिर से मंदिर हमने कल दिखाई दिया था आपको। ये देखो जी, बहुत लंबी लाइन लग चुकी है, ज़्यादा भी नहीं है तो क्योंकि आज सैटरडे है, सभी की छुट्टी वगैरह रहती है, तो इस वजह से जो है भाई सैटरडे संडे में अक्सर भीड़ रहती है। कल तो बहुत बड़े दर्शन हो गए थे, आप लोगों को मैंने दिखाया था। तो ये देखो भाई, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लाइन्स लग रही है, चारों तरफ लाइन वाइन है। तो भैया आ रहे हैं सभी हमारे घर वाले, लाइन में हैं अब की बार। तो कल तो अच्छे दर्शन हो गए थे। तो चलो जी, दर्शन करने के बाद हम निकलते हैं यहाँ से, और सामने मंदिर है ये। तो भाई माता रानी के जयकारे लग रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है भाई दर्शन भी हो रहे हैं सभी भक्तों के। सभी भक्त अपने माता के दर्शन कर रहे हैं। तो बस अब ज़्यादा लंबा व्लॉग इसको नहीं खींचते हुए हम दर्शन करने के बाद बस यहाँ से निकल जाएंगे, सीधा मिलेंगे आपको बस स्टैंड या बस स्टॉप में या जहाँ पे भी हमें मौका मिलेगा। ज्वाला जी हम यहाँ से निकलेंगे आज ही, और उसके बाद चिंतापूर्णी, प्लान कुछ अपडेट हो चुका है हमारा, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो भक्तों, दर्शन करके हम जा रहे हैं वापस कमरे पे, और अपने बैग वैग उठा के फिर हम जाएंगे नाश्ता करने, और उधर से उधर हम निकल जाएंगे बस स्टॉप पे, जो कि है कांगड़ा का बस स्टॉप। तो बस उसके लिए हम ज्वालामुखी ज्वाला जी, दोनों एक ही नाम है, ज्वाला जी जाएंगे। लो जी, हम बैग वैग उठा के अपने कमरे से खाली करके आ चुके हैं, फिर एक बार पहुँच चुके हैं मंदिर के सामने, और मंदिर के सामने से जा रही है गली। यहाँ से हम सीधा मेन मार्केट में होते हुए नीचे पहुँच जाएंगे, एक रास्ता इधर से भी है लोकल घरों के बीच में से जाते हुए, बट हम इधर को जाएंगे, कुछ सामान वामान भी ख़रीदना है और भाई कुछ खाना पीना भी है, नाश्ता करना है सुबह का। तो चलो जी चलते हैं और आपको दिखाते चलते हैं यहाँ की गलियाँ बाज़ार कैसा है। तो जय माता की, अंतिम दर्शन है आज का जी। पराठे की सर्विस चल चुकी है, मंदिर के पास में ही थी एक दुकान, तो यहाँ पे 70 रुपये में 2 पराठे और सब्जी है। तो हम सभी अभी नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से बस स्टॉप के लिए। और दक्की ने भाई एक खेल खिलौना खरीद लिया, बड़े पापा ने इसको दिलाया है, घुमाना जी। नाश्ता वास्ता करके हम निकल लिए हैं, मार्केट आप लोगों ने देख ही रखी है यहाँ की, तो हर जगह आपको जो है दोनों तरफ दुकानें मिलेगी जब तक आप मेन रोड पर ना पहुंच जाएं। तो हम चलते चलते कर रहे हैं शॉपिंग, जैसे कि भाई सिंदूर ख़रीदना और तस्वीर ख़रीदना या जो भी यहाँ का अच्छा अच्छा है हिसाब, बच्चे को खेल खिलौने दिलाना, तो यही चल रहा है भाई। तो जी घूमते फिरते हम मेन बाज़ार से, जो माता वाला बाज़ार है, वहाँ से आ चुके हैं मेन रोड पर, और बाकी सब थोड़ी बहुत ही शॉपिंग कर रहे हैं पीछे घर वाले। अभी हम मेन बाज़ार मेन रोड पर हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं, और इधर है बस स्टैंड कहीं 1-1.5 किलोमीटर। तो हम जस्ट जो एंट्री गेट है माता के मंदिर में जाने के लिए, वहीं पे खड़े हैं, दक्की और आर्यन सामने खड़ा है। तो बस अब यहाँ से हम बस स्टॉप पे डायरेक्ट बस यहीं से मिल जाएगी, अगर छीट मिलेगी तो हम यहीं से बैठ लेंगे, नहीं तो डायरेक्ट हमें जो है बस स्टॉप पे जाना पड़ेगा, सो दैट हमको जो है प्रॉपर सीट मिल जाए अब की बार। और यहाँ पर ये रहा मेन गेट, जो कि नारकोट धाम में जाता है, नारकोट धाम भी बोलते हैं इसको, ब्रजेश्वरी देवी मंदिर भी बोलते हैं। तो भाई बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं सीधा ज्वाला जी, मिलते हैं हम आपको बस में बैठने के बाद। Thank you.
तो जी पूरा जो है ज्वाला जी से और आपका जो ये कांगड़ा है पूरे रास्ते में जो है भाई काम ही काम चल रहा है, हाईवे बन रहा है, फोर लाइन जो है चार धाम यात्रा का लाइन फोर लाइन काम था ना ऐसा ही ये चल रहा है। तो आपने भी वीडियो देखी एक दो भाई बहुत गड्ढे हो रहे हैं, सड़क जो है ख़राब पड़ी है और भाई ये देखो काम ही काम चल रहा है। कंडक्टर साफ कर रहे हैं दूसरी सवारी का वेट जो सामने से आ रही है दूसरी बस में से, वो देखो वहाँ सामने। तो दोस्तों हम डेढ़ घंटे में जो है भाई कांगड़ा से जो है ज्वालामुखी के बस स्टॉप पे आ गए। बस स्टॉप के जस्ट सामने मंदिर का रास्ता है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी, दोनों ज्वाला जी भी बोलते हैं ज्वालामुखी भी बोलते हैं। तो जी डेढ़ घंटे में हम जो है आ चुके हैं और 75 रुपये किराया था वहाँ पे, और सभी ने जो है भाई एक एक जो है आइसक्रीम खा ली है, कुल्फी टाइप से बिकती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो देखो सामने बेच रहे हैं, दो दो खड़े हैं भाई बस के साथ। तो ये चल रहा है यहाँ पे, चलो है नहीं इतना तो ठीक नहीं था, मावे वाली नहीं थी। तो अभी हम देखते हैं अंदर जा रहे हैं एंड देखते हैं, कोई कमरा वमरा की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमने डिसाइड किया है हम यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट चिंतपूर्णी दर्शन करने के बाद, क्योंकि कल सुबह अगर यहाँ से निकलेंगे लेट होने के बहुत ज़्यादा चांस है क्योंकि कल संडे है, चिंतपूर्णी में जो है भीड़ मिल सकती है तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लग जाए, इसलिए हम जो है यहाँ से दर्शन करने के बाद जाएंगे डायरेक्ट चिंतपूर्णी मंदिर में। तो बताते रहेंगे आपको, अपडेट वगैरह देते रहेंगे इस बारे में। उसी बस स्टैंड के जस्ट सामने आपको जो है एंट्री करनी पड़ेगी ज्वाला जी के मंदिर में जाने के लिए। तो पहले भाई हम आए थे यहाँ पे लगभग 7-8 साल पहले, तब तो यहाँ पे टीन वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो फिलहाल तो टीन सेट डल चुका है पूरे रास्ते में। चलो जब आपको आगे दिखाते रहेंगे कैसा रास्ता है कैसे मंदिर है। मंदिर में जाते जाते आपको जो है इसके इर्द गिर्द दुकानें मिलेगी, तो आप इन पे अपना बैग सामान रख के जो है आगे निकल सकते हैं क्योंकि आपको बैग सामान लेके ज़रूरत नहीं है जाने की, पहली दुकान ही पे रख दो और पैदल चले जाओ। तो हमने फिलहाल इस दुकान पे सामान रख दिया है जो कि यहाँ पे आसपास है गोलगप्पो वाले के पास में है, धक्की बैठ अंदर जाके खा लो आप। तो जी प्रसाद हमने ले लिया है, अभी जा रहे हैं मंदिर में और दर्शन करने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे आसपास का एरिया। बहुत कुछ बदल चुका है जब से हम आए उसके बाद से, भाई साहब कुछ भी समझ पहचान में नहीं आ रहा मेरी तो कि हाँ हम यहाँ पे आए हुए थे पहले। तो चारों तरफ भाई आप देख सकते हैं दुकानें ही दुकानें हैं, ऊपर टीन सेट है, अभी देखो भाई एसी की दुकान है यहाँ पे, कूलर की है, ठीक है तुम्हारे श्रृंगार की दुकान है, प्रसाद और जनरल स्टोर है, डेली यूज़ का सामान सारी सुविधाएं हैं। देखो भाई पहले नहीं था ऐसा कुछ यहाँ पे, और ये परचून की दुकान है डेली घर का सामान। ₹50-50 में भाई झुमके की सेल लग रही है। एक मिनट, तो जी यहाँ पे जड़ी बूटियाँ भी आप लोगों को मिलती रहेंगी बीच बीच में रखी हुई, ये देखो कहाँ के पंजे हैं। चलो चलो तो जी लगभग मंदिर के सामने पहुँचने वाले हैं हम, सामने देख सकते हैं सीढ़ियाँ शुरू हो गई, तो चलते हैं। चलो जी फाइनली पहुँच चुके हैं हम माता ज्वाला जी के द्वार पे और भीड़ लग रही है काफ़ी, ये देखो भाई लाइन है क्योंकि आज सैटरडे हो चुका है, शनिवार के दिन जो है भीड़ लग गई और ऐसा लगता है कि ये भीड़ जो है रास्ते में जाके रोक दी गई है। हाँ शायद ऊपर कुछ हो रहा है क्योंकि भीड़ जो है बस आधे रास्ते तक ही दिख पा रही है, उसके बाद तो सीढ़ियाँ खाली पड़ी हैं। तो जी ये लाइन पार करके हम आए हैं यहाँ पर, सीधे नहीं जाने दे रहे अब की बार मंदिर में, पता नहीं कुछ सिस्टम चेंज हो गया, वहाँ से आपको जो है इधर लेके जाएंगे और ये जहाँ पे लंगा भवन है इसके सामने से आपको जो है दर्शन के लिए भेजेंगे। तो आप सामने देख रहे हैं मंदिर जाने का रास्ता, पहले तो सामने होता था ये बिल्कुल सामने, अब यहाँ से डाइवर्ट करके इधर कर दिया गया। तो ये देखो भाई काफ़ी लंबी लाइन लगी पड़ी है, ये देखो बुरा लेगा यार, भीड़ ज़्यादा ही यार।
तो भक्त दर्शन हमने कर लिए हैं, आपको बताएंगे हमें कितने घंटे लगे। चलो बता देते हैं भाई, पूरे 5 घंटे बाद जो है हमें दर्शन हुए। तो बताते हैं यहाँ की कहानी थोड़ी सी, उससे पहले हम दिखाएंगे जो भाई अकबर का चढ़ाया हुआ छत्र है वो आज भी यहाँ पे रखा हुआ है मंदिर में। जड़ गया था ना ये। तो जी 5 घंटे लाइन में लगने का कारण ये है, सबसे बड़ा कारण आप ये जो देख रहे हैं 500 का नोट हाथों में है। अब हम और आप जैसे सीधे साधे लोग क्या है लाइन में लगते हैं, अपने लाइन दिखाऊंगा मैं आपको कहाँ से आ रही है। अरे भाई साहब अमीर लोग ऐसे बीच बीच में घुस रहे हैं, पंडित जी सहारा दे रहे हैं इनको। हालांकि एंट्री यहाँ से है सामने से ही, बट लाइन जो है मैंने नीचे से दिखाई थी, इसके पीछे घूम के उधर से कहीं से दूर से आ रही है लाइन। और सामने आप देख रहे हैं वो, और वो पूरा चक्रव्यूह चला रखा के लाइन को जो है 3-4 बार घुमा रखा, वहीं का वहीं गोल चक्कर बना रखा बुरी तरह। हर जगह यही है, वहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है। यहाँ पे आगे थोड़ा स्ट्रेट है लाइन, इसलिए भाई 5 घंटे लगे लाइन को चलने में, धीरे धीरे चल रहे हैं। तो काइंड ऑफ बैड एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पे। हालांकि ऐसा होता है, लेकिन वही है थोड़ा सा मैनेजमेंट की कमी और जो प्रशासन है कोई देख रेख नहीं कर रहा है। क्योंकि हमने देखा लोग बाग इधर से भी आ रहे हैं और डायरेक्ट यहाँ पे लग रहे हैं आके। आपको दिखाया सामने, ये देखो 2 नंबरी गेट है माता के दरबार में, यहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हालांकि अभी तो 5-10 ही आए, नहीं तो उससे पहले जो है यहाँ तक की लाइन थी इतने पीछे तक। तो भाई बस यही इस वजह से जो है लेट वेट हो रहे हैं, जो आम आदमी है उनको भाई लाइन में लगना पड़ रहा है 5-5 घंटे। तो हालांकि चलो ठीक है, जय माता दी बोल का भाई हम भी अब निकलने वाले हैं यहाँ से। तो आप लोग अगर यहाँ पे आओ तो सैटरडे संडे मत आना, क्योंकि हमने लोकल बंदों से पता किया सैटरडे संडे में यही हाल होता है यहाँ पे। ये जो मेन गेट था ना अंदर आने का, ये सामने इसको बंद कर देते हैं और इससे नीचे से ही उतारते हैं, और जो यहाँ के लोकल रेजिडेंस है ना उनकी गलियाँ हैं उसमें को घुमा के ये सामने देखो भाई यहाँ पे लेके आते हैं। अब देखो भाई 5 घंटे ऐसे लगे हमें, ठीक है। तो सैटरडे संडे मत आओ भाई यहाँ पे फैमिली के साथ, बाकी डेज में जो है नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट जहाँ से आओगे सामने माता जी का मंदिर है, दर्शन करोगे निकल के वापस चले जाओगे। चलो जो भी था ये मेरा बताने का फर्ज था, हमने क्या फील किया यहाँ पे। और अभी दिखाते हैं हम आपको माता जी की शैया। लो जी रहा माता का सैन बोर्ड, मतलब सोने की जगह। तो माना जाता है शाम को जो है इस जगह में जो है कीर्तन होता है और फिर इनका जो है श्रृंगार किया जाता है, और सुबह ही जब इनको खोला जाता है तो सारा श्रृंगार जो है उखड़ फुकड़ होता है, जैसे सोने के बाद कपड़े वपड़े इधर उधर होते हैं चद्दर के, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे नज़ारा मिलता है। हालांकि हमें टाइम तो है नहीं, अभी हम यहाँ रुक तो रहे नहीं, तो इसलिए हम तो देख नहीं पाएंगे सुबह का टाइम। और जहाँ पे माता जी का सैयन है, मतलब सोने की जगह, इसके ऊपर देखो भाई साहब कितना बेहतरीन झालर है, डिज़ाइन बड़ा मस्त है। चलो जब यहाँ से निकलते हैं, भक्तजन जो है भूख लग चुकी है सभी को, क्योंकि 1:30 बजे हम लाइन में लगे थे, 6 बजे हमारा नंबर आया 6:30 बजे। तो जी पूरा आंगन ये है मंदिर का, ऊपर तक मैंने व्यू ले लिया है, नीचे और ऊपर दोनों जगह का भाई आप साफ साफ देख पा रहे हैं। तो ये माता का सयन है यहाँ पे सामने, उधर तारा देवी का मंदिर है ऊपर, नवग्रह है, और यहाँ पे है ज्वाला जी का मंदिर सामने, ये रहा। बाकी ऊपर जो है शिव जी बन रहे हैं, शिव भगवान को दिखाई दे रहा होगा। तो ये देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है भाई, शिव जी महाराज का जो है निर्माण हो रहा है। तो जी चलते हैं अब यहाँ से निकलते हैं, जय माता की, जय ज्वाला माँ की। यहाँ से निकल दिए हैं और ये हमें कर रहा है सभी को इधर से जाओ इधर से जाओ। बाकी यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है, चारों तरफ दुकानें ही दुकानें हैं भाई। एक बार फिर से हम दर्शन करके आ चुके हैं बस स्टैंड पर वापस, माँ ज्वाला जी बस स्टैंड पर है फिलहाल। हम बस हमने पकड़ ली है, लास्ट बस है यहाँ पे, लगभग 7 बजे की लास्ट बस है। तो ये सारी लोकल पैसेंजर है, इनको हमारे वाली बस में से उतार के जो है इसमें चढ़ा दिया गया है, तो हमारे वाली बस में जो है जगह हो चुकी है। चलो जी फटाफट चलता हूँ कभी ये वापस आ जाएँ। तो यहाँ से 7 बजे का अंतिम समय है बस का चिंतपूर्णी के लिए। तो ये बस है जिसमें हम जा रहे हैं अभी, 1992। और देखिए जी अंदर छीड़ हो चुकी है क्या, हाँ भाई छीड़ होगी रे अंदर, छीड़ होगी अंदर रहेगी होगी। बहुत ही गर्मी हो रही है आज, मतलब भयंकर।
हाँ खतरनाक गर्मी हो रही। चलो भाई मिलेंगे आपको लोगों को रास्ते में। सभी बैठ चुके हैं। अधिकतर सभी इस बस में हैं, चिंतापूर्ण जाने वाले भगत, और ऑलमोस्ट तैयार है जाने के लिए हमारी बस। 6:47 हो चुके हैं। चंदीपूर्णी चिंतापूर्णी। और बस में बहुत हल्ला हो रहा था भाई अभी तक, अब शांत हो यात्री बैठ के। हाँ और द केप निगन तो दिखाओ कौन सी ली चलाओ भाई साहब। तो भाई स्टार्ट हो चुकी है हमारी बस। चिंतापूर्णी माता की जय जय। चलो भक्तों मिलते हैं आपको हम सीधा चिंतापूर्णी माता के दरबार में। इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। हम जा रहे हैं माता ज्वाला जी के यहाँ से चिंतापूर्णी, सीधा बस में बैठ के। लास्ट बस है 7 बजे की। जय माता दी भक्तों। चलो जी मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।